तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मेरी लव कटारिया की, एल्विश यादव की और कैरी मिनाटी की कभी नहीं बनती। हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है और हमारी कभी आपस में बन भी नहीं पाएगी। पर बात अब हमारी इज्जत पे आ गई है, इसलिए मेरे को ये वाली वीडियो बनानी पड़ गई। एजाज खान ने कैरी मिनाटी को मुंबई के अंदर पकड़ा, उसके साथ गाली गलौज करी, उससे सॉरी बुलवाई, फिर एजाज खान ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर एनसीआर के सारे क्रिएटर को गलत बोलता है। यार नेक्स्ट हम बात करने वाले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में, जो ना वाटरफॉल के पास जाके अपना एक रील कंटेंट शूट कर रहे होते हैं और शूट करते करते गाइस वो ना 300 फुट की गहराई से नीचे गिर जाते हैं, वहीं पे गाइस उनकी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गाइस बताया जा रहा है कि ये ना अपने 7 दोस्तों के साथ गाइस वहाँ पे वाटरफॉल पे गए हुए थे और रील शूट करते वक्त गाइस उनके साथ ये वाला हादसा हो गया। एक चीज को देख के गाइस मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। इससे पहले गाइस इनके 260,000 फॉलोवर्स थे और जैसे गाइस इनके हो जाती है गाइस इनके ना 3,00,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है एजाज खान की साइड से। एजाज खान अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, वहाँ पे गाइस उन्होंने रजत दलाल को काफी गंदे तरीके से रोस्ट कर दिया। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। सॉरी बुलवाने का जो मजा आता है ना, शेरो तुम लोग से वादा करता हूँ वो छिनालके से भी सॉरी बुलाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या है अभी लोगों के लिए इतना टाइम अपने पास है नहीं, अभी बहुत बिजी है। अबे रज्जत के नाम में ही दलाल है, अभी उसको क्या बोलने का बे। वो बचकाना मेरे को फोन वोन कर रहा था कि भाई ये वो, ए बेटा ये सब ना सोशल मीडिया के कुत्ते हैं और अपन जंगल के शेर है। ये बचकाने लोग को बोलने दे रहे, बुलाएंगे इनको सॉरी, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है अलवी यादव की साइड से। टीम 07 की तरफ से एक वीडियो आउट हुई थी जहाँ पे उन्होंने अलवी यादव को काफी गंदे तरीके से पोक किया था और उन्होंने ये कहा था कि इसका सिस्टम कुछ नहीं है, इनका ना मैनेजर जो है वो लव कटारिया वो बिग बॉस में गया हुआ है। तो इसी से लेकर अलवी यादव ने अपनी वीडियो में कुछ रिएक्ट किया और इन टीम 07 वालों को उन्होंने रिप्लाई भी दिया। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। भाई कोई बात नहीं, तुम बालक हो, देख लो, समझ लो मेरी बात है, तुम बालक हो ठीक है, इन बड़ी चीजों मत पड़ो भाई, ये बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, समझ। भगवान करे तुम्हारी लाइफ में तरक्की आए और तुम भी बिग बॉस में जाओ। पर देखो ऐसे यार गलत मत बोलो मुझे ना, मुझे बुरा लग जाता, मैं फिर अगर मैं रोने लग गया तुम चुप कराओगे आके, बताओ अच्छा लगता है, है? कि तुम इतनी दूर से आ रहे हो टिकट करा के मुझे चुप कराने, नहीं ना, तो समझ जाओ भाई, कुछ ना रखा है गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने से, सारे बाहर खड़े होकर बनाने करो, कहीं बाहर पीछे व्यू वगैरह तो आएगा। वीडियो बनाते हुए मार्केट में इतनी हंसी आ रही है मुझे यार। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है रैंडम सेना की साइड से। यार मैं आपको बता दूं कि हैशटैग अरेस्ट रैंडम सेना ट्रेंड करने लग पड़ा था, तो इसी से गाइस रैंडम सेना ने कुछ रिएक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि अगर मैंने हिंदुत्व के लिए कुछ भी किया है तो आप ट्विटर पे जाके लिखो हैशटैग वी सपोर्ट रैंडम सेना। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अदरमीज नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहे हैं हैशटैग अरेस्ट रैंडम सेना। अगर तुम्हें लगता है कि रैंडम सेना ने हिंदुत्व के लिए कुछ भी किया है तो अभी ट्विटर अकाउंट खोलो, एक्स अकाउंट खोलो अगर नहीं बनाए हो तो, और अभी जाके हैशटैग वी सपोर्ट रैंडम सेना 50 बार ट्वीट करो, करके आओ। मैं बार बार तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ किया है तो इतना करो, दैट्स इट। उसके बाद ना हैशटैग वी सपोर्ट रैंडम सेना भी ट्रेंड करने लग पड़ जाता है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि हैशटैग अरेस्ट रैंडम सेना क्यों ट्रेंड कर रहा था, कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है ट्रिगर इंसान की साइड से। आपको पता होगा अभी ना यूट्यूब फैन फेस्ट आने वाला है, तो इसी तरह ट्रिगर इंसान ने बताया कि मैं ना यूट्यूब फैन फेस्ट पे नहीं आने वाला, मैं ना एक शो पे काम कर रहा हूं तो तभी मैं यूट्यूब फैन फेस्ट पे नहीं आऊंगा। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। यस आई एम नॉट कमिंग टू यूट्यूब फैन फेस्ट दिस टाइम, वैसे आई वॉज इन्वाइटेड, ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज काफी सारे लोग यूट्यूब वालों को जा जाके बोल रहे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया था, बट गाइस मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन अ शो एंड वो सेम डेट्स का बहुत ज्यादा इशू पड़ रहा था तो आई हैड टू स्किप इट। बट यार ये जो कलेक्शन है ना, ये जो कलेक्शन है, देखो बहुत सारे लोग पीठ पीछे कुछ भी बोले, बट जिस दिन ये कलेक्शन घर पे खड़ा होगा ना उस दिन बात करना। नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है पूर्व झा की साइड से। पूर्व झा ने गाइस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे गाइस एक स्कैम को एक्सपोज कर दिया है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। भाई नया स्कैम चालू हो चुका है मार्केट में, ये तुम्हें कॉल करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और ये सब इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक करते हो और हम तुम्हें फोन और वॉच भेजना चाहते हैं। अब ये देखो कॉल आया जम जम इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ये पता नहीं कोई होगा, इसके इधर से कॉल आया, इसने बोला एड्रेस वेड्रेस भेजो, इस हमारे भाई ने एड्रेस भेज दिया मुंबई का, गुड़गांव में बैठ के पता नहीं मुंबई, नाम तेरा असलम है
और ये देखो उन्होंने फिर क्या भेजा वॉइस नोट। सर मैं अभी आपके पार्सल का वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के भेज दूँ, 2 से 3 मिनट वेट करें आप। 2 से 3 मिनट उसके बाद पार्सल की वीडियो। ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका सारा सामान पड़ा हुआ जो छोटे भाई बड़े भाई की तरफ से आया। ये आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये मंगवाते हैं ना, मंगवाते हैं बोलते हैं। एक काम कर, ये जितना सामान है ना इसको आग लगा और अपनी ले, ठीक है। जो नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है राजा डीसी साहब की साइड से। राजा डीसी साहब ने अपनी वीडियो में किसी को रिप्लाई दिया है और उन्हें ये बताया कि कुछ बंदे ना मेरी इंस्टाग्राम की रील्स डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं और जब सामने आते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। वो सारे बंदों को ना कीड़ा है, हमारी रील्स पकड़ के डालते हैं और अपने आप को ना बड़ा राइडर बताते हैं, तो और जब सामने मिलने आते हैं ना, जी भाई क्या हाल है, तो भाई मुझे समझ नहीं आती सामने आके भी भाई इतना घमंड रखा करो, सामने आके भाई आपकी फट जाती है। और जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ उनको अच्छे से पता है, और फिर हमारे दोस्तों को कॉल करके बोलते हैं भाई राजा ना हमारी फिर अच्छे से लेता है, तो फिर राजा के साथ पंगे नहीं किया करो बेफालतू में। बहुत ज्यादा बंदों को कीड़ा हमारी रील्स उठाएंगे अपने पेज पर डालेंगे, ऐसे तो इनको व्यूज आते नहीं है, सोचते कि चल यार राजा डीसी की गैंग किया अपने इनकी रील्स वगैरह डाल के थोड़े व्यूज ले लेंगे, और अपने आप को इतना प्रोफेशनल राइडर बताते हैं ना मैं क्या बताऊं। और चलाने इन्होंने फिर भी पता कैसे होते हैं, जैसे 80 साल के बुड्ढे स्कूटर चलाते हैं ना, तो वैसे चलाने इन्होंने अपनी सुपर बाइक के। तो अगर इतना कीड़ा ना हमारी रील्स में तो डाला करो, अगर इतना आपको कीड़ा है तो सामने रोड पे आओ, अपने आपके पास जो भी आपकी बाइकें हैं, जैसी भी आपकी बाइकें हैं, पता नहीं भाई सुपर बाइक है या खाली बॉडी सुपर बाइक की लगाई है, अंदर से क्या पता भाई 100 cc की बाइक हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपकी बाइकें 100 से ऊपर जाती नहीं है। और खाली कैमरे के आगे आप सोचते होंगे हम सिर्फ कैमरे के आगे बोलते हैं, हम चलाते भी रियल लाइफ में भी हम वैसे ही हैं और रील्स में भी हम वैसे ही हैं। आपको क्या लगता है कि राजा डीसी साहब ने किसको पोक किया है, कमेंट करके जरूर बताना। तेरे को क्या लगता है? मुझे किया। तेरे पास है बाइक? बेशरम बकवास करता है, पीछे चुप करके बैठ रहा है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है जॉनू जी की साइड से। जॉनू जी ने अपनी वीडियो में हमें पोक किया है। क्या पोक किया है? हाँ आपको पता होगा, इस हमने ना अपनी वीडियो में ये बोलता है कि जॉनू स्टैंड के यहाँ पे ना किसी लव वाइट किया हुआ है, लेकिन जॉनू स्टैंड ने ये बताया था कि ये ना मेरे को एलर्जी हो गई है। तो इसी तरह जॉनू स्टैंड ने ये बताया कि कुछ बच्चे जो है वो मुझे ये बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी ने लव वाइट किया हुआ है। तेरे को जॉनू जी ने बच्चा बोला है? क्या बच्चा कहा? हाँ तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। आज चलेंगे और भाई कहीं जो ना बंदे हैं, चलो नाम नहीं मिलता यार, वो भी बच्चे हैं छोटे, पर यार कुछ देख के तो डर लग रहा है भाई। कह रहे हैं ये देखो जानू भाई की लव बाइट एक्सपोज होगी। मतलब यार किसी को कोई प्रॉब्लम है कुछ भी बोलते हैं यार, सोच समझ के तो बोला करो भाई, क्या बोल रहे हो आप। वीडियो डिलीट मांगता है B6 के ब्लॉग। बच्चा कैसे बोला मेरे को कई बच्चों का बाप है मैं। बालक बात है, रात की बात है, कल 5 बजे से पहले वीडियो ट्रिम चाहिए मेरे को, जहाँ पे मेरे को बच्चा बोला है। बच्चा नाक बोलने का मेरे को कि सब मेरे को ठीक लगा, लेकिन ये जो बच्चा बोला है बच्चा मेरे को ठीक नहीं लगा। कल शाम 5 बजे तक ये जो बच्चे वाला पार्ट है मेरे को ट्रिम चाहिए। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो भी जॉनू जी से रिलेटेड होने वाली है। जॉनू जी ने अपनी वीडियो में कहा UKG 7 Rider की कॉपी की है। आपको पता होगा UKG 7 Rider ना राता ताता बोलते रहते हैं। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना वो राता ताता सुनने के लिए। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अभी ना मैं उसको ड्राइव करने वाला हूँ और इसकी राता ताता की साउंड आपको सुनाते हैं भाई, तो चलो। और ये मोटो खबरी अपनी वीडियो में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जॉनू स्टैंड के लव बाइट से रिलेटेड हमें ये बोल रहा है कि एक ही न्यूज चैनल है जो फेक न्यूज देता है। क्या फेक न्यूज देता है? हाँ तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। कुछ न्यूज चैनल्स भाई कुछ क्या, एक ही न्यूज चैनल है जो कि फेक न्यूज बताता है। उन्होंने ऐसा बताया था कि जानू स्टंट्स की जो एलर्जी है वो एलर्जी नहीं लव बाइट है। अभी थोड़े दिन पहले आमिर माजिद की आईब्रो ना होने पे इन्होंने आमिर माजिद को तांत्रिक बना दिया था। आमिर माजिद यूजिंग ब्लैक मैजिक ? ओए छपरी यूट्यूबर, सिस्टम पार्ट दूंगा, सिस्टम जो लगा हुआ ना सिस्टम पूरा पार्ट दूंगा। मेरे का तो अभी सही से जानता नहीं है। ये जानू स्टैंड और हम दोनों में ना आपसी मामला है, हम दोनों ना सॉल्व कर लेंगे। इससे चले जानू स्टैंड इनके साथ पंगा ले रहा है तो मैं भी थोड़ी उंगली ले ही लेता हूँ। खबरी को ये नहीं पता कि उंगल जेड़ा करता है, उन्होंने गिफ्ट देने ऐसी दो बाँ लिए ये बाँ दिख रही है। बेशरम इतना बकवास कहाँ से सीख लिया तूने? किससे सीखा ये बकवास, इधर बता मेरे को जल्दी। इस बार अगर इसने पंगा लिया तो इसको पक्का गिफ्ट में बाँ दे के रहूंगा मैं आज। बता इधर बकवास किससे सीखा?
YouTube से। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है आलन ब्लॉग, आलन ब्लॉग, आलन ब्लॉग, आलन ब्लॉग, आलन ब्लॉग की साइड से। आलन ब्लॉग की तरफ से एक वीडियो उठ रही है जहाँ पे वो आमिर भाई को पोक करते हुए दिखे और उन्हें ये बताया कि मोस्टली लोग जो है वो खाली पेंगोंग लेक जाते हैं और नुब्रा वैली बिल्कुल भी नहीं जाते। तो ये हमारी फर्स्ट साइड एक्सटेंडर होने वाली है जो नुब्रा वैली जाने वाली है। तो सबसे पहले आप छोटी क्लिप भी देख लो। गाइस आप लोगों को पता होगा मोस्टली राइडर्स जो लद्दाख राइड करते हैं ना वो पेंगोंग लेक जाते हैं, नुब्रा वैली जाते हैं, बस खत्म। पर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट साइड एक्सटेंडर होगी जो उमलिंगला जाएगी। भाई अब इतनी दूर आए तो रिकॉर्ड सेट करके ही जाएंगे। मैं अपनी बाइक को कुछ भी करके उमलिंगला पहुंचाऊंगा भाई। ऑलमोस्ट 20,000 फीट अबव सी लेवल, यार मजाक नहीं होता है कसम से। और आलिन ब्लॉग ने ये भी बताया कि हमें ना होंडा सिटी का नाम भी रख लिया है। सबसे पहले छोटी क्लिप भी देख लो। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, परसों की वीडियो में हमने अपनी होंडा सिटी का नाम भी रख लिया। इसका नाम है वैम्पायर, ठीक है। सैंड ड्यून्स में ये बिल्कुल वैम्पायर की तरह लग रही थी, तभी मैंने इसका नाम वैम्पायर रख दिया भाई। नेक्स्ट वीडियो आ रही है द फ्रैंक राइडर की साइड से। उनकी चैनल से एक वीडियो उठी है जिसमें ना प्रोवाइडर 1000 जो है उन्हें युगेंद्र सैम राइडर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिखे और उन्होंने यह कहा कि इसने ना उत्तराखंड की बेइज्जती करवा के रखी है। और उन्होंने जोकर जोकर भी कहा और उनको कहा कि वो मैं आपको ना एक्सप्लेन करके बताता हूँ। युगेंद्र सैम राइडर ने ना वापस प्रोवाइडर 1000 और लकी भाई को ना पुलिस स्टेशन में बुलाया था, लेकिन युगेंद्र सैम राइडर खुद आए, कोई नहीं आगे वकील को भेज दिया, इसलिए प्रोवाइडर 1000 जो युगेंद्र सैम राइडर के ऊपर एंग्री दिखे। तो सबसे पहले आप छोड़ सी क्लिप ही देख लो। अभी ना एक्चुअली इस पुलिस स्टेशन में आ रखे थे एंड यार भाई छपरी ना मतलब डर के भाग गया यार। मतलब छपरी ना जोकर ने भाई जो हर बार वो करता है उसने वही करा, फेक चीज़ें। एंड क्या बोल रहे छपरी के लिए, अब जोकर के लिए। अरे मैं क्या बोलूँ, जोकरों ने सालों ने बेइज्जती करा रखी उत्तराखंड की। जोकर ने सही में बेइज्जती करा रखी है ना, क्या कर सकते हैं। पुलिस वालों को मैंने बताया, मैंने मैटर ये है, ये देखिए एक ही तरफा थाली मत देखिए। नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है जीनत ब्लॉग और मानिक अत्री की साइड से। आपको पता होगा जीनत ब्लॉग और मानिक अत्री के बीच में ना अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। जीनत ब्लॉग ने ना मानिक अत्री को एक्सपोज कर दिया है। आपको पता होगा एक बार मानिक अत्री ने जीनत ब्लॉग के साथ वीडियो बनाई थी जहाँ पे जीनत ब्लॉग ने ना मानिक अत्री की जेड एक्सटेंडर को गिरा दिया था। इसी से रिलेटेड गाइस जीनत ब्लॉग ने ये बताया कि वो वीडियो ना सारी स्क्रिप्टेड थी। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। सो गाइस पहले तो आप ये देखो, जैसे कि आप क्लियरली देख रहे होंगे इसमें मेरी और मानिक की फाइट दिखाई गई है, ठीक है। तो इसकी तो मेरे पास रॉ क्लिप भी पड़ी है, जब ये मुझे पूरा स्क्रिप्ट समझा रहा था कि जीना तुमने ऐसे से करना है, तुमने वहां से आके मुझसे लड़ना है। अब भाई तुम्हें किसके सहारे लेने पड़ रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। अगर मैं इसकी रॉ क्लिप डाल दूं ना गाइस यहां पर बवाल हो जाएंगे। जब ये मुझे स्क्रिप्ट समझा रहा था कि जीना तुमने ऐसे से करना है, ऐसे से बोलना है। बाकी मेरे पास कुछ ऐसा है ना, अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल दिया ना तो तुम खून के आंसू रहोगे माने, खून के आंसू। चलो छोड़ो, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से चीट कर रहा होगा तो मुझे कैसे लगेगा। वो सेकेंड ही लगेगा तुम्हारी औकात में आके मुझे सॉरी बोलोगे। बाकी तुम मुझे बोल रहे हो ना कि मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ वीडियोज बना के अपना फेम बनाया यूट्यूब पे, चलो ठीक है 2 सेकंड के लिए वो बात भी मैं आपकी मान लेती हूँ। यूट्यूब बनाया, इंस्टा पे तो मैंने अकेले बनाया, तो तुम तो इंस्टा पे भी अकेले नहीं हो भाई, तुम तो इंस्टा पे भी बंदी के पीछे लग लग के मैं क्या ही बोलूं यार। आपको पता होगा मानिक अत्री ने ये बताया था कि अगर जीनत ब्लॉग ने मेरे को रिप्लाई दिया ना तो मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। अभी तक एक्सपोज वीडियो नहीं आई, तेरा क्या कहना है इस बारे में। आपको पता होगा इस कैरी मिनाटी की एक वीडियो आई थी पूरब जॉ के साथ, अभी गाइस वो वीडियो उनकी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है और उस वीडियो पे गाइस 22 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है भारती जी की साइड से। भारती जी का गाइस यूट्यूब चैनल हैक्ड हो चुका है, तो इसी से रिलेटेड गाइस उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ रिएक्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। वी आर फेसिंग सीरियस इशू, आवर पॉडकास्ट चैनल यूट्यूब भारती टीवी नेटवर्क हैज बीन हैक्ड। आज की अपडेट यहीं तक थी, अगर वीडियो देखते हैं तो यहाँ तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं बीसीसीआई के आर्मी का कट्टर वाला फैन हूं। मैं बीसीसीआई के आर्मी को दिल से प्यार करते हैं। दिल से प्यार करते हैं। इस विषय हमको 2 सट्टे ही लगती हैं तो इसका यहीं पे साम उग जाता है। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स में, तब तक के लिए